Hello dear aspirants and welcome at this noon class where today we are going to learn new vocabulary words as usual. Nikhilesh ji with us. So Nikhilesh ji, jab tak inke greetings type hote hain, tab tak aap hamara pehla word display kar dijiye screen pe. And today's show, the first word we have is conjugal. Conjugal is adjective in its nature, and when it comes to the description of your picture, you have two emojis in front of you and they have rings in their hand. Wo rings jo hain ek dusre mein aise intact hain. तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही हैं, ये किस चीज़ का सिंबल हैं, जल्दी से कंजुगल का आंसर बताइए. यहाँ पे मानवता और शाम है मेरे साथ में. गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू. हेलो नीरज जी, सुमित गुड आफ्टरनून, बुद्ध सिंह जी हेलो, आई एम गुड, आई होप यू आर डूइंग गुड एज वेल. सागर जी गुड नून. जल्दी से वर्ड को देखिए और फटाफट से आंसर दीजिए कंजुगल का. गुड आफ्टरनून नरेंद्र. हेलो अभय प्रताप जी, कनेक्टेड बुद्ध जी ने आंसर सबसे पहले दिया. नपशियल मानवता यूनिटी नरेंद्र, बिल्कुल सही. बाकी जन भी ट्राई कीजिए क्विकली. कनेक्टेड बुद्ध सिंह जी, मैंने ऑलरेडी आपका आंसर पढ़ दिया था. ओके निखिलेश जी, आप इसका आंसर डिस्प्ले करें जरा प्लीज. आंसर डिस्प्ले कर दीजिए. कायनात खान जी वेरी गुड आफ्टरनून. कंजुगल स्टैंड फॉर मैरिड. जो रिंग्स एक दूसरे में इंटैक्ट थी, दैट वाज सिंबलाइजिंग मैरिज रिलेशनशिप. तो इट स्टैंड्स फॉर मैरिड, वेडेड, ब्राइडल, मैरिटल, नप्शियल, कॉनुबियल, स्पाउसल और हाइमिनियल. और यहाँ पे एमिकेबल, नो दीप्ति इट्स नॉट एमिकेबल एट ऑल. कॉन्ग्रीगेशन, नो नो सागर, कॉन्ग्रीगेशन तो किसी हालत में नहीं हो सकता ये. फ्रेंडशिप अलाय नरेंद्र. कनेक्टेड अभय प्रताप. बॉन्ड सुमित ने लिखा. तो ओके, कंजुगल स्टैंड्स फॉर मैरिड रिलेशनशिप, जिसे हम कह सकते हैं मैरिड, वेडेड, ब्राइडल, मैरिटल, नप्शियल, कॉनुबियल, स्पाउसल और हाइमेनियल. ही कंप्लेंड दैट ही हैड बीन डिनाइड हिज कंजुगल राइट्स. ये आपकी पहली स्टेटमेंट. निखिलेश जी दूसरा स्टेटमेंट डिस्प्ले करें प्लीज. Palliative. Palliative is adjective in its nature. There is a lady, there is a kid. There is a kid lying on the bed and there is a lady who is taking care of her. और वो बहुत ज़्यादा परेशान और concerned लग रही हैं. बताइए तो palliative का meaning क्या होगा. अभिषेक I am good, I hope आप भी अच्छे हैं. और मेरी class रोज 3 बजे आती है, आप बहुत दिनों बाद आए हैं. Hello रुपिंदर कौर जी, hello राजेश जी, जल्दी से palliative का answer बताइए quickly. सूदिंग मानवता ने आंसर सबसे पहले दिया. गुड नून पूजा. फियर कंसर्न नरेंद्र. मानवता लेनिटिव. विष्णु 10 दिन के बाद वोकैबुलरी ना भूले, इसके लिए रोज इसको प्रैक्टिस कीजिए. इसीलिए मैं कहती हूँ वोकैबुलरी को अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कीजिए. ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश ओनली. श्याम जी आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश एट ऑल. आप जो भी वर्ड का आंसर देख रहे हैं, जो भी वर्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उस वर्ड को हिंदी में ही एक्सप्लेन किया जा रहा है. अफेक्शनेट सुमित जी ने आंसर दिया. हिमेंद्र रेसिप्रोकल. ओके निखिलेश जी आंसर डिस्प्ले किया जाए. पैलिएटिव मीन्स स्पेसिफायर, पेन किलर, सूदिंग. देखिए वो कितनी केयर कर रही थी ना उसकी. शी वॉज ट्राइंग टू कंसोल हर. ठीक है, जैसे मम्मी हमको करती है जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है कि ठीक हो जाएगा, अच्छे हो जाओगे. दिस इज कॉल्ड पैलिएटिव, जिसको हम कह सकते हैं लेनिटिव, डिमिलिसेंट, कॉलमेटिव और एस्यूसिव. रिपीटिंग, पेसिफायर, पेन किलर, सूदिंग, लेनिटिव, डिमिलिसेंट, कॉलमेटिव और एस्यूसिव. माई रैश नीड्स सम पैलिएटिव लोशन. रैशेज हो जाते हैं हमारी बॉडी पे, उसे कहते हैं रैश. मतलब मुझे एक सूदिंग लोशन चाहिए जो उनपे मुझे आराम दे दे. निखिलेश जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए प्लीज. इट्स ऑफिशियस. ऑफिशियस इज एडजेक्टिव इन इट्स नेचर. जल्दी से बताइए ऑफिशियस का मीनिंग क्या होगा. देखिए आपके सामने एक लेटर लिखी हुई है या जो भी एक परफॉर्मा लिखा हुआ है, वो डे टू डे लाइफ में हम ऐसा परफॉर्मा टाइप नहीं करते हैं. तो ऑफिशियस का मीनिंग बताइए जरा.
Good afternoon, Himendra. Narendra, our parents palliative to us, नहीं, our parents are palliative to us statement simple present tense के passive format में दिखनी चाहिए. बिना इस आर के ये statement अच्छी नहीं लग रहेगी या grammatically correct भी नहीं हो पाएगी. डिक्टेटोरियल लिखा है मानवता ने. प्रियम लिख रहे हैं लीगल. ऑफिशियली डिक्लेरेशन अमित लिख रहे हैं. पुशी विष्णु. निखिलेश जी आप आंसर डिस्प्ले करें प्लीज. Officious stands for something that is order, जो पूरी एक order की tone के साथ आपके सामने आता है जिसे आप deny नहीं कर सकते. इसे कह सकते हैं bossy, pushy, meddlesome, intrusive, bumptious, opinionated, importunate. Repeating, bumptious, opinionated, importunate. I'll see, the nurse said with an officious toss of her head. और यहाँ पे लिखा है कायनात ने आंसर दिया असर्टिंग वन्स अथॉरिटी. बिल्कुल सही. पूजा नोटिस ऑफिशियल लेटर नरेंद्र. लीडरशिप हिमेंद्र. पलक अथॉरिटेटिव. और ब्यूरोक्रैट. नो इट्स नॉट ब्यूरोक्रैट. ब्यूरोक्रैट इट्स नॉट ब्यूरोक्रैट. अभय प्रताप जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए. इट्स invidious. Invidious is adjective in its nature. Now you can have the look of the picture. There are golden fishes that are on one. There are golden fish that are on one side and one green is on the other side. And in between there is a hand जो retard कर रहा है green की इस तरफ की तरफ proceeding को. तो जल्दी से बताइए invidious क्या होगा. Forward. अभिषेक ने answer सबसे पहले दिया. द्वेषजनक. साहिल जी ने लिखा. बड़ा भारी भरकम वर्ड आ गया ये तो साहिल जी. स्केप्टिज्म अमित लिख रहे हैं. अनफेयर मानवता. वन साइडेड अभिषेक. नरेंद्र इम्पीड और हर्डलेस. विष्णु अनफेयर. निखिलेश जी आप आंसर डिस्प्ले करें जरा प्लीज. ये बांट रहा है मछलियों को. ग्रीन को एक तरफ कर दिया और उसको एक तरफ कर दिया. उनको इस तरफ आने नहीं दे रहा. इट मीन्स समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट ऑफेंसिव इंसल्टिंग और अनफेयर जिसे हम कह सकते हैं प्रिजुडिशियल इनिक्विटस डेलिट्रियस और अनजस्ट. वो न्यायपूर्वक नहीं है कि कुछ एक तरफ हो गया और एक को एक तरफ कर दिया. वो अनजस्ट है जस्टिस नहीं है. इसे हम कह सकते हैं प्रिजुडिशियल इनिक्विटस deleterious or unjust. The dictator's invidious act caused the people to rise up against him. तो यहाँ पे आंसर कायनात ने लिखा. tending to stir up participants. पूजा ने लिखा शाम participants. they are not participants. वो participate नहीं कर रहे. rather उनको बांटा जा रहा है. तो बंटवारा दिखाया जा रहा है जो कि गलत है. okay it is just like general class and the other classes. तो जो भी हमारी government करती है वो है. now next is infringe. infringe is verb in its nature and you can see there is a man who is trying to crawl on the wall. वो दीवार पे चढ़ना चाह रहा है. दीवारों पे जब हम चढ़ते हैं ये पॉजिटिव नहीं होता है ना. हम दरवाजे से भी जा सकते हैं. दरवाजे से जाने नहीं दिया जा रहा इसीलिए दीवार पे चढ़ रहे हैं. तो जल्दी से बता दो जरा इन्फ्रेंच क्या होगा. इन्फ्रेंच का मीनिंग बताना है क्विकली. इट्स इंटरफेरेंस. क्लाइंब. गुड नून वीना जी. डिसोबे मानवता. उल्लंघन करना साहिल ने लिखा. निखिलेश जी आंसर डिस्प्ले कर दें प्लीज. दीप्ति अनफेयर. वायोलेशन वायोलेट मानवता. पलक वायोलेशन. ब्रेक इन टू ट्रेस पासिंग. नरेंद्र बहुत अच्छा वर्ड. इट स्टैंड्स फॉर इंट्रूड. बिना परमिशन के किसी की टेरिटरी में घुस जाना इज कॉल्ड इन्फ्रेंच जिसे हम कहते हैं इंट्रूड इनवेड ट्रेसपास और इनक्रॉच जिसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रावीन ब्रीच फ्लाउट डिफाई ट्रांसग्रेस. रिपीटिंग इंट्रूड इनवेड ट्रेसपास इनक्रॉच.
contravene, breach, flout, defy, transgress. Beware of making any distinction which may infringe equality. Niklesh ji, next word display karein. Yahan pe answer aaya hamare paas Vishnu ki taraf se restricted. To break a rule, kainat, puja rule, break, violate. Next is duplicity. Duplicity is noun in its nature. There is a person जो अपने चेहरे से मास्क हटा रहा है, मतलब ओरिजिनल कुछ और है, मास्क किसी और चीज का पहना हुआ था. तो जल्दी से बताइए duplicity क्या होता है. निखिलेश जी आंसर डिस्प्ले करें. आंसर नहीं आ रहा है हमारे पास में. एक आंसर आया साहिल की तरफ से, दैट इज छल, धोखा. ठीक है. डिसीट मानवता ने लिखा, प्रियम फेक, फ्रॉड साहिल, पूजा फेक, मानवता, चिसेनरी गुड, अभिषेक सब्टरफ्यूज वेरी गुड, डिसगाइज नरेंद्र, प्रियम अनरियल, हिडन पलक, विष्णु फ्रॉड और श्याम फेक. डुप्लिसिटी स्टैंड्स फॉर डिसऑनेस्टी, धोखा देना, जिसे हम कहते हैं डिसीट, फ्रॉडुलेंस, क्राफ्ट, सब्टरफ्यूज, स्कलडगरी, शेनानिगंस और गाइल. रिपीटिंग, डिसऑनेस्ट, डिसीट, फ्रॉडुलेंस, क्राफ्ट, सब्टरफ्यूज, स्कलडगरी, शेनानिगंस और गाइल. मोस्ट पॉलिटिशियंस आर डुप्लिसिटी टू डिसीव वोटर्स जस्ट लॉन्ग इनफ टू गेट देयर वोट्स. निखिलेश जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले करें प्लीज. हिमेंद्र ने लिखा इम्पोस्टर, डेलिबरेट कायनात, पलक हिडन, एबसेंस ऑफ रियलिटी, आशीष ने लिखा. नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव स्टैंड्स फॉर व्हाट. देखिए आपके सामने एक बार ग्राफ बड़ा है और लगातार उस ग्राफ का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है. तो क्यूमुलेटिव स्टैंड्स फॉर व्हाट, जल्दी से बताइए क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होगा. क्यूमुलेटिव स्टैंड्स फॉर व्हाट, बार ग्राफ को देखिए, हर बार वो बढ़ रहा है. 10 से स्टार्ट होके 24 तक गया है. प्रोग्रेस मानवता ने लिखा, रंजन, गुड नून रंजन जी, प्रोग्रेस आशीष ने लिखा, प्रदीप लिख रहे हैं हाइड, ग्रोथ पूजा, नरेंद्र इन एन ऑर्डर, दीप्ति अकमिलेट गुड. निखिलेश जी आंसर डिस्प्ले किया जाए प्लीज. माउंटेनिंग विष्णु, अभिषेक अकमिलिटी, प्रोग्रेसिव आशीष, पूजा प्रोग्रेस. This is called increasing. बढ़ रहा था ना ग्राफ, मैंने आपको बोला था. तो this is called increasing, growing, progressive, mountaining, aggregate, knock on or snowballing. Repeating, increasing, growing, progressing, mountaining, aggregate, knock on or snowballing. Snowballing नया word है. Depression is often caused by the cumulative effects of stress and workout. निकलेश जी next word display किया जाए. It's convivial. Convivial stands for what? देखिए आपके सामने fair type माहौल बना हुआ है, मेले type है ना, lights लगी हुई हैं, फिर वहां पे lamps लटके हुए हैं. तो जल्दी से बताइए convivial क्या होता है. और यहाँ पे answer आया steady growth पलक ने, कायनात aggregated, अभिषेक increase, constant पलक, बिल्कुल सही अभिषेक पांडे जी, good noon. अब convivial का answer दीजिए जरा. हैप्पीनेस साहिल ने आंसर दिया. जिनाइल मानवता, फेस्ट पलक बंसल, जोवियल मानवता, हैप्पीनेस शाम हिमेंद्र, विवेशियस कॉर्डियल अभिषेक, वेरी गुड, बहुत अच्छे वर्ड्स, सेलिब्रेशन पलक बंसल. निखिलेश जी आंसर डिस्प्ले करें. The principal gives prize cumulatively to pupils. Okay. Merry Kainat, Puja Fair, Carnival, Celebration Ashish, Sheetal Merrymaking, Vishnu Amiable और Celebration Narendra. Convivial stands for jovial, happiness, जिसे हम कहते हैं jovial, genial, sociable, gregarious या फिर Kauthi, clubable, cordial और congenial. Repeating. खुशनुमा या खुशी को कहते हैं कॉन्विवियल, जिसे हम कह सकते हैं जोवियल, जिनाइल, सोशेबल, ग्रिगेरियस, काउथी, क्लबेबल, कॉर्डियल और कॉन्जीनियल.
Carl was a convivial party host who made everyone feels at home. निखिलेश जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए. अभिषेक पांडे ने लिखा हैप्पीनेस सेलिब्रेशन. नरेंद्र ने लिखा बिल्कुल सही. एमिएबल विष्णु ने लिखा. नेक्स्ट इज एवोकेशन. एवोकेशन इज नाउन इन इट्स नेचर. आपके सामने अलग अलग तरह की लेजर एक्टिविटीज हैं. वो एक्टिविटीज जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं. कोई रनिंग करता है, कोई टीवी देखता है, कोई डॉग को स्ट्रॉलिंग पे ले जाता है, ठीक है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई बैठ के खाना खाता है. तो एवोकेशन स्टैंड्स फॉर व्हाट क्विकली. हाईलाइट प्रियम ने लिखा. ओके अभिषेक पांडे जी पेज को रिफ्रेश कर लीजिए. स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम आशीष जी ने लिखा. कीप बिजी पलक विष्णु एग्जाम्पल. नो 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 आंसर गलत आ रहे हैं आपके. निखिलेश आंसर डिस्प्ले करें प्लीज. मैंने आपको बोला कि वो रूटीन दिखा रहा है कि आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हो. और जो हम लेजर टाइम में करते हैं वो हमारी हॉबी होती है. इसे हम कहते हैं हॉबी, एक्टिविटी, लेजर, डाइवर्जन या फिर पास्ट टाइम, रिक्रिएशन, सेथिक और साइडलाइन, जिसे आपने लिखा है ओकेजनल. ओके हॉबीज बिल्कुल मलिक जी ने आंसर सही दिया है. स्पेयर आइडल नरेंद्र. अभिषेक डिस्ट्रैक्शन. नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं है ये. कीपिंग बिजी नहीं है. बिजी शेड्यूल से खुद को अलग करके खुद के लिए हम करते हैं. एवोकेशन का मतलब होता है आपकी हॉबी, आपका पास टाइम क्या है, आपकी लेजर एक्टिविटी क्या है, आप खुद को रिक्रिएट करने के लिए क्या करते हो. तो इसके वर्ड्स हैं हॉबी, एक्टिविटी, लेजर, डाइवर्जन, पास टाइम, रिक्रिएशन, सेथिक और साइडलाइन. रिसेंटली शर्मन डिस्कवर्ड वुड वर्किंग इज अ टाइप ऑफ एवोकेशन ही एंजॉयज इन हिज स्पेयर टाइम. निखिलेश जी लास्ट वर्ड डिस्प्ले करें. इट्स असेंडेंसी. असेंडेंसी इज नाउन इन इट्स नेचर हिज लॉर्डशिप. देखिए आपके सामने क्राउन है और क्राउन के नीचे लिखा हुआ है लॉर्डशिप. जल्दी से असेंडेंसी का आंसर बता दीजिए. अभिषेक जी बुलबा जैसा कोई वर्ड हिंदी में होता है मुझे नहीं पता है. तो असेंडेंसी स्टैंड्स फॉर व्हाट. निखिल जी थोड़ा सा नेट इश्यू आ रहा है, इसके पहले कि स्क्रीन खराब हो जाए आप जल्दी से आंसर डिस्प्ले कर दें. असेंडेंसी स्टैंड्स फॉर सुप्रीमेसी, कमांड, लॉर्डशिप, रूल, हेजिमनी, सोवरेनिटी, डोमिनेंस और स्वे. रिपीटिंग हेजिमनी. असेंडेंसी का मतलब होता है जो सुप्रीम होता है, सबके ऊपर होता है, उसे कहा जाता है सुप्रीमेसी. कमांड, लॉर्डशिप और रूल, हेजिमनी, सोवरेनिटी, डोमिनेंस और स्वे. द वाइफ ग्रेजुअली गेन्ड असेंडेंसी ओवर हर वीक वेल हस्बैंड. यहाँ पे हिरार्की है, रेन है, लीडरशिप है, रूलर है, प्राइमेसी है. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेट है बार बार कनेक्टिविटी तोड़ रहा है, इसके पहले कि मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाए आई विल टेक योर कॉल ऑफ. दिस इज माय फाइनल साइन ऑफ. कल दोबारा मिलेंगे आपकी वोकैबुलरी की क्लास के साथ. तब तक अपना ध्यान रखें. टेक केयर. सिया.